हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलिना फूड रेसिपी में। अगर आपको भी फ़िश खाना बहुत पसंद है लेकिन आपको उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो ये रेसिपी आपके लिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट से फ़िश कबाब, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ ये 500 ग्राम फ़िश ली है, ये कांटे वाली फ़िश है। अगर आपको बिना कांटे की फ़िश मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बस अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट इसलिए करेंगे ताकि फ़िश का जो स्मेल वाला पानी रहता है वो निकल जाए। तो मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच नमक, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। एक चम्मच डाल दूँगी मैं नींबू का रस, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड में। मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और बस ये फ़िश भी अब रेडी है। फ्राई कर लेते हैं इसको, चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और एक एक करके फ़िश के सारे पीस हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से कुछ डाल दें आप, और यहाँ मैंने सारी फ़िश डाल दी है। बस अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें। तब तक फ्राई करें जब तक फ़िश अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। फ़िश कबाब बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इससे फ़िश कबाब जो हम रेडी करेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होगी, जो एक फ़िश में होती है। बस तो अब यहाँ पे देखिए, ये फ़िश एकदम से रेडी हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद एक क्विक मिक्स कर देंगे। और अब इसमें बॉयल्ड आने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे। अब देखिए ये बॉयल्ड भी आने लगा है। बस अब मैं यहाँ पे लिड लगा दूंगी और अब इसको पकने देंगे ताकि फ़िश अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि उसके कांटे हमें उसमें से रिमूव करने हैं। तो बस अब यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ये चने की दाल ली है, आधा कप चने की दाल ली है मैंने। इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में अच्छे से भिगा दिया था। बस अब ये रेडी है, तो हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने दाल को प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया है। बस अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 2 छोटे चम्मच, और यहाँ 5 से 6 मैंने लाल सूखी मिर्च डाली हैं। आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 तेज़ पत्ते डाले हैं और डालेंगे 1 कप पानी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल लें। बस उसके बाद यहाँ पे मैंने लिड लगा दिया है, और अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे करीब 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि दाल भीगी हुई है तो वो जल्दी से कुक हो जाएगी। बस अब ये जब तक दाल प्रेशर कुक हो रही है, हम फ़िश को देख चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे फ़िश का पानी अच्छे से सूख गया है, और ये फ़िश भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इसको ठंडा कर लें, और फिर उसके बाद हम इसके सारे कांटे निकाल लेंगे। ये देखिए, बस मैंने यहाँ पे इसके सारे कांटे निकाल लिए हैं, और ये फ़िश को अच्छे से मैश कर लिया है। दाल भी अच्छे से कुक हो गई है। बस अब दाल को इस फिश में ऐड कर देते हैं। बस अब इस स्टेज पे हमने जो ये 2 तेज़ पत्ते डाले थे इन्हें निकाल देंगे, और उसके बाद इसको एक बार फटाक से अच्छे से मिक्स कर लें। ये वैसे ही अच्छे से मैश हो गया, लेकिन हमें इसको पीसना है, तो हम फटाफट से इसको पीस लेते हैं ताकि एक डो रेडी हो जाए। और उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं चाट मसाला डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच। एक प्याज लिया था मैंने, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च डाली है मैंने। 1 मुट्ठी हरा धनिया डाला है। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं 1 एग डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। बस ये बैटर रेडी है, तो बस कबाब रेडी कर लेते हैं। या थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें हाथ पर, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसको कबाब का शेप दे दें कुछ इस तरह से। ये रेडी कर लिया है एक और बना लेते हैं। उसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको कबाब का शेप दे देंगे, और बस ये रेडी है। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं हम ये। और यहाँ सारे कबाब रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि अपना शेप ले लें। और यहाँ मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और कबाब अच्छे से सेट हो गए हैं, तो बस तवा रेडी कर लेते हैं और कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने तवे पर, और ये कबाब एक एक करके सारे हम तवे पर डाल देंगे कुछ इस तरह से।
और ये बहुत अच्छे से शेप ले लेते हैं, तो फिर बहुत आराम से फ्राई हो जाते हैं। बस यहाँ देखिए, अब एक साइड से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसमें। ऐसे ही कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है, फ्लिप कर लेंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं फ़िश कबाब, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं दूसरी साइड से भी। अब मैं इनको इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, एक एक करके हम सारे इस प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इस फिश कबाब में, और ये देखिए सारे रेडी हैं, कितने लजीज लग रहे हैं, ही टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार ज़रूर से बनाएं फ़िश कबाब की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, ये आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।